पहले तो ये जान लीजिए कि सेक्शन 28 को शॉर्ट में हम लोग या दूसरा नाम कंडीशन लिमिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। पीटी का क्वेश्चन है, सेक्शन 28 को कंडीशन लिमिटेशन कहते हैं। इसमें कह रहा है अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल और हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट। कहा एक कंडीशन लिमिटेशन जो है वो कंडीशन के साथ डिवेस्ट कर देगा इंटरेस्ट अगर वेस्टेड सब्सिक्वेंटली ना किया जाए। इसको समझिए जो बोल रहा है मोटा मोटी क्या कर रहा है। बेयर एक्ट में से हेडिंग पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है कि अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल, ठीक है। एक अल्टीरियर ट्रांसफर हम लोग एक कंडीशन के साथ लगा रहे हैं कि पहले वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो या ना हो। जैसे इसका एग्जांपल समझिए, उस पर डिपेंड करेगा। ए जो है वो कहता है कि हम 10,000 रुपया तुमको देंगे अगर तुम साल भर के 3 साल के भीतर इंग्लैंड में चल जाओ पढ़ाई कर, ठीक है। और ये भी कह रहा साथ है कि अगर जो तुम नहीं गए तो ये 10,000 रुपया हम सी को देंगे। तो यहाँ जो है एक पहला जो है वो कंडीशन सब्सिक्वेंट है, कंडीशन सब्सिक्वेंट है। पहले पैसा दे दिया और कह रहा है कि 3 साल के भीतर तुमको, खाली इतना ही समझिए, इतना रुपया कह रहा है। ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर दिया पैसा और कह रहा है कि 3 साल के भीतर तुमको 10,000, तुमको इंग्लैंड चल जाना है पढ़ाई करने, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट कंडीशन है। और अल्टीरियर कंडीशन क्या लग रहा है, अल्टीरियर ट्रांसफर क्या लगा रहा है, कह रहा है कि अगर तुमने मेरा पहला वाला कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी चल जाएगा मिस्टर सी को, ये 10,000 रुपया मिस्टर सी को चल जाएगा। तो ये अल्टीरियर ट्रांसफर जो है उसका होगा या नहीं होगा वो पहले वाले कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये कभी इफेक्ट में नहीं आएगा, और ये वाला अगर फुलफिल नहीं हुआ तो ये वाला इफेक्ट में आएगा, ठीक है। ये दोनों तरीका से लगा सकता है, कह सकता है कि ये काम करो तब होगा, नहीं करो तो नहीं होगा। या उल्टा भी लगा सकता है कि अगर ये ऐसे भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है कि ए कह रहा है कि हम तुमको प्रॉपर्टी दे रहे हैं 10,000 रुपया, लेकिन तुमको 3 साल तक जो है इंग्लैंड नहीं जाना होगा। तो अगर ये चला गया तो ये प्रॉपर्टी चल जाएगा। इसको उल्टा साइड से भी समझ लीजिए, ये उल्टा। यहाँ पर सेक्शन में कह रहा है, इन लास्ट लाइन पर ये सेक्शन का 28 का, इन ईच केस द डिपोजिशन आर सब्जेक्ट टू द रूल कंटेन इन सेक्शन 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 27। कहने का मतलब कि हमको जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक, और ये ट्रांसफर करवा रहे हैं पहले मिस्टर बी को उसके बाद मिस्टर सी को, और ये पहला कंडीशन सब्सिक्वेंट लगा रहे हैं, दूसरा अटीरियल ट्रांसफर करवा रहे हैं, ये दोनों पहले वाले जो सेक्शंस हैं, इतने सेक्शंस जो बेड एक्ट में लिखे हुए हैं उसके ध्यान में रखते हुए हमको ट्रांसफर करना है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। पहला सेक्शन जो है वो सेक्शन 10 के बारे में था। सेक्शन 10 क्या था आपका, याद कीजिए, कह रहा था कि अगर आप प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप उसका डिस्पोजिशन का पावर, एलिनेशन का पावर आप नहीं छीन सकते हैं। और अगर आपने जो छीना तो वो जो आपने कंडीशन लगाया वो कंडीशन ही वॉइड हो जाएगा, ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। तो सेक्शन 10 में यही कहा था, एग्जाम्पल था ए जो है वो बी को एक प्रॉपर्टी दे रहा है और कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी तुम एलिनेट नहीं कर सकते हो, आगे किसी को बेच नहीं सकते हो। तो सेक्शन 10 के अंदर ये जो कंडीशन लगाया था वो वॉइड था, सेक्शन 10 याद होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझिए कैसे इसका यूज किया जा रहा है। कह रहा है ए जो है वो मिस्टर बी को प्रॉपर्टी कहता है, देता है और कहता है कि तुम ये प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकते हो, ठीक है। और अगर तुम चाइल्डलेस मर गए, बिना बच्चे के मर गए, ठीक है, बेच नहीं सकते हो, ये बोल रहा है, ट्रेबल नहीं कर सकते हो, ये नहीं बोल रहा है। कह रहा है तुम बेच नहीं सकते हो लेकिन तुम्हारे जो उत्तराधिकारी रहेंगे उसको तो मिल ही जाएगा, लेकिन आगे कंडीशन लगा रहा है कि अगर तुम बिना बच्चे के मर गए तो ये प्रॉपर्टी चल जाएगा मिस्टर सी,
अब पहला कंडीशन जो लगाया उसका एलिमिनेशन का पावर छीन लिया कि तुम इसको बेच नहीं सकते हो और एब्सोल्यूट ट्रांसफर रहा है, तो वो चीज सेक्शन 10 के अंदर वॉइड है। तो ऐसा कंडीशन हम सेक्शन 20 कौन सी सेक्शन बता रहे थे, सेक्शन 28 में भी हम ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। तो सेक्शन 28 का क्या करना था लास्ट में कि आपको इतने सेक्शंस का ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा। सेक्शन 10 वाला क्या था याद आ गया? सेक्शन 12 वाला समझिए क्या था। ए जो है वो बी को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी और कहता है कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, तो ये प्रॉपर्टी सी को चला जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जब ये दिवालिया हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी जो रहेगा, इसका इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंट का प्रॉपर्टी जो होता है वो बाय लॉ ऑफिशियल रिसीवर ऑर्डर 40 और ऑफिशियल रिसीवर में वेस्ट हो जाता है, तो सी को नहीं मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन हम नहीं लगा सकते हैं। सेक्शन 12 का हमको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा सेक्शन 28 में ट्रांसफर। सेक्शन 28 में 21 वाला था, समझिए 21 वाला क्या करना था, कह रहा था कि मान लीजिए ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कहता है कि बी मर जाएगा इशू लेस, ठीक है, तो जाके ये प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगा। ठीक है, अब सी का जो इंटरेस्ट है वो कंटिजेंट इंटरेस्ट है। अब ये तो डिपेंड कर रहा है कि ये बी इशूलेस मरेगा कि नहीं मरेगा, इशूलेस मतलब बिना संतान। तो ऐसा कंडीशन हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमको सेक्शन 21 में बोला है कि ऐसा कंडीशन आप नहीं लगा सकते हैं। तो सेक्शन जो आपका 28 है उसमें भी ऐसा कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 22 में क्या था, मान लीजिए ए जो है वो बी को प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, और कहता है कि बी के डेथ के बाद बी का जो बच्चा होगा सी, अगर वो 18 साल का हो गया तब जाके उसको प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है, और ये 18 साल हुए बिना मर गया मान लीजिए, तो प्रॉपर्टी इसको नहीं मिलेगा। तो इसको कह रहा है कि आपको ऐसा कंडीशन लगाना मना है। ज्यादा स्पीड बोल रहे हैं क्या? सेक्शन 23 का याद कीजिए कैसे था। कह रहा था ए जो है वो ट्रांसफर करता है एक फील्ड बी को फॉर लाइफ के लिए और कहता है उसके बाद सी को ये फील्ड दे दिया जाएगा इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, अगर सी जो है वो लंदन चला जाए तब। तो सी जो है वो बी के डेथ के बाद लंदन नहीं जाता तो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को हमको ध्यान में रखते रहना है, जो बात वाला जो है वो हमको ध्यान में रखना है कि अगर वो फुलफिल करेगा तो मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही कह रहा है सेक्शन 28 में कि आप जो अटीरियर वाला कर रहे हैं, ठीक है, तो अटीरियर वाला और पैड वाला सब्सक्वेंट वाला दोनों आप कंडीशन जो लगा रहे हैं वो इन सब सेक्शनों का वायलेशन में नहीं होना चाहिए, बस यही बात बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। ठीक है, सेक्शन 24 वाला देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है मान लीजिए ए जो है वो बी को ट्रांसफर करता है एक फील्ड और कहता है कि आफ्टर 20 डेज अगर बी जो है वो बिना चिल्ड्रन के मर जाए, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका सन है सी, समझिए क्या कर रहा है। ए ट्रांसफर करता है फील्ड बी को, ठीक है, आफ्टर 20 डेज इसके मरने के बाद विदाउट चिल्ड्रन टू द सन ऑफ सी, ठीक है, सन ऑफ सी और सर्वाइव ऑफ देम। लगा रहा है ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हुआ या फिर कोई बच्चा सरवाइव नहीं किया तो ये प्रॉपर्टी सी को चला जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कंडीशन लगा के ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन इसके वायलेशन में कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेक्शन 24 में ये कंडीशन बताते हैं। सेक्शन 25 करवाएं आज। सेक्शन 25 का एक एग्जाम्पल समझिए। ए जो है वो बी को गिफ्ट करता है एक प्रॉपर्टी, ठीक है, कंडीशन ये लगा सकता है, लगा देता है कि अगर अगर बी जो है वो सी का मर्डर किया तब प्रॉपर्टी तुमको मिलेगा और नहीं किया तो ये डी को मिल जाएगा प्रॉपर्टी। ऐसा कंडीशन लगाना मना कर रहा था सेक्शन 25। तो हमको यहाँ पर सेक्शन 28 में जो हम कंडीशन लगा रहे हैं उसको लगाते टाइम सेक्शन 25 का भी ध्यान रखना है।
ये जो कह रहा था उसको समझिए एक बार, बहुत इजी लैंग्वेज में क्या कह रहा था। हम जो है एक कंडीशन लगा के एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं सेक्शन 28 में, ठीक है। और वो कंडीशन अगर फुलफिल हो गया या नहीं हुआ, ऐसा हम कंडीशन लगा रहे हैं, मान लीजिए हो गया, कह रहे हैं कि अगर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कंडीशन को तुमको फुलफिल कर देना है, अगर तुम नहीं किए तो ये प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये कर दिया तो ये प्रॉपर्टी इसको मिला रहेगा, नहीं किया तो फिर सी को मिल जाएगा। ये जो बाद वाला है वो अटीरियर ट्रांसफर है, ये सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है, ठीक है। तो हम इस सेक्शन में जो भी कंडीशंस लगाएंगे उसको 10, 12, 21, 22, 23, 24, 25 के वॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए, बस ये बात बोल रहा है।